हेलो दोस्तों, अभी जनवरी में बहुत सारे आईपीओज आए थे, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आईपीओज लगे ही नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में पहली बार आईपीओ लगा रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में एक भी आईपीओ नहीं लगा है। तो आप चिंता मत करिए, फरवरी में और भी बहुत जबरदस्त बम्पर आईपीओज आने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आईपीओ लगने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं आप। वो मेट्रिक आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जो मैं कंपनियां बताऊंगा तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा आपके बन सकते हैं, कौन आपको रिटर्न बढ़िया अच्छा दे सकता है। तो आप वीडियो पूरा देखें, तभी आप सही तरह से आईपीओ लगा पाएंगे और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ लगने के। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आईपीओ आएगा फरवरी में, इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, ब्रुकफील्ड इंडिया कंपनी का। जो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये ब्रुकफील्ड ग्रुप का एक पार्ट है। ब्रुकफील्ड ग्रुप जो कनाडा से है, उसी का ये एक पार्ट है। और इसका आईपीओ ओपन होगा 3 फरवरी को और क्लोजिंग डेट है 5 फरवरी। यह 3800 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। यह कंपनी रियल एस्टेट और एसेट मैनेजमेंट में डील करती है। सारे आईपीओस के डिटेल एनालिसिस बाद में एक एक करके अलग अलग आएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको लिस्ट बता रहा हूं कि वो कंपनी क्या करती है और आईपीओ कब आएगा। दूसरा जो आईपीओ आ रहा है वो रेलटेल कंपनी का आ रहा है। ये कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। ये लगभग 700 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। इसकी डेट्स वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। और तीसरा और बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है बजाज एनर्जी का, 5450 करोड़ आसपास का ये आईपीओ होगा। अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है। बजाज एनर्जी है जो पावर जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन का काम करती है, और ये अभी जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उससे पावर प्लांट वगैरह कुछ खरीदने का काम करेगी। और चौथा जो आईपीओ है वो है कल्याण ज्वेलर्स का। ये 1750 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी के शोरूम वगैरह हैं ऑल इंडिया में, बहुत ही अच्छा ब्रांड हो गया है, जाना माना। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, और इसका भी आईपीओ की अभी डेट वगैरह अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। और पांचवी कंपनी है नायका, जो ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट प्लेस है। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर अभी जानवी कपूर है, जो कि श्रीदेवी की लड़की है। ये भी अच्छा एक जाना माना ब्रांड हो गया है। इसकी अभी डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं की गई है, बहुत जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी, और ये आईपीओ भी जल्दी ही आने वाला है। और जो छठा आईपीओ आने वाला है वो श्याम स्टील का है। श्याम स्टील लोहे के सरिये, स्टील वगैरह इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये आईपीओ लगभग 500 करोड़ रुपए का होगा। बहुत ही अच्छा जाना माना ब्रांड है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है। ये जल्दी अनाउंस होने वाला है, इसकी डेट्स वगैरह जल्द ही आ जाएगी। और सातवां जो नाम है बारबेक्यू नेशन, जो फेमस रेस्टोरेंट चेन है, इसका आईपीओ भी 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए का तक का होगा, और इसकी डेट्स वगैरह जल्दी अनाउंस हो जाएगी 1-2 दिन में। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, अच्छा रेस्टोरेंट चैन है। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था मैं अंत में आपको बताऊंगा इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा आईपीओ LIC का आईपीओ आने वाला है। ये आईपीओ लगभग 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जिसका अनाउंसमेंट हो गया था 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा कि ये आईपीओ आने वाला है। ये लगभग फरवरी के एंड तक आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग अवेटेड आईपीओ है, बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ आने वाला है। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ है, 70,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए जाएंगे। और दोस्तों, LIC बहुत जानी मानी, बहुत अच्छी कंपनी है, तो सबको इसका इंतजार रहेगा और इसके डेट्स वगैरह जल्द ही अनाउंस हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने वीडियो में कहा था कि आईपीओ लगने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है, आईपीओ एक रैंडमली लॉटरी सिस्टम द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, किसी का भी लग सकता है। बट आईपीओ लगने के चांसेस ऐसे बढ़ सकते हैं, एक तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हो बहुत सारे आईपीओ लगाने के, और दूसरा कि हमारे पास इतने ही पैसे हो कि हम एक आईपीओ लगा सकें। तो दोनों कंडीशन में बात कर लेते हैं कि आईपीओ लगने के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन में, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा हो लगाने के लिए, 1-1.5 लाख 2 लाख हो, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई करें। एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे 10-12-13 लॉट अप्लाई करते हैं तो
तो आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे पास पैसे कम हो, एक दो आईपीओस के पैसे, एक दो लॉट लगाने के भी पैसे हों, तो हम क्या करें, जब आईपीओ खुलता है पहले दिन पहले आप आईपीओ डिसाइड कर लें कि भाई, क्योंकि जब भी आईपीओ आते हैं 3-4 एक साथ आते हैं, तो हमें एक कंपनी डिसाइड कर लें कि इसमें मैं अपने आईपीओस लगाऊंगा। तो शुरुआत वाले दिन ही जल्द से जल्द आप पहले दिन ही आप अप्लाई करें, इससे भी थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, बाकी कोई ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, बस यही है, अब या तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई करें या जल्दी से जल्दी तुरंत अप्लाई करें, जिससे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं आईपीओ लगने के। और दोस्तों, बाकी सब आईपीओ अनाउंसमेंट होते ही मैं जल्दी इन पर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, और ब्रूकफील्ड वाले आईपीओ का अभी अनाउंसमेंट हो चुका है तो उस पर इंडिविजुअल वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।